नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, सरकार ने बढ़ाया 15% डीए, मिलेगा मोटा एरियर। तो दोस्तों, सरकार ने किन कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की है हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से पिछले दिनों 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया गया था। इस हाइक के बाद केंद्रीय कर्मचारी का डीए 34% से बढ़कर 38% हो गया था। 7वें वेतन आयोग के तहत अब अलग डीए जनवरी 2023 में बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 5वें और 6ठे वेतन आयोग के तहत तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को भी दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने इन दोनों वेतन आयोग के तहत डीए में इजाफा किया है। दोस्तों, सरकार की तरफ से 6ठे वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में 9% का इजाफा किया गया है। इस बदलाव के साथ महंगाई भत्ता 203% से बढ़कर 212% हो गया है। डीए की नई दरें 1 जुलाई 2022 से प्रभाव में आएंगी। अक्टूबर की सैलरी के साथ कर्मचारियों का 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा 5वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारी के डीए में 15% का इजाफा हुआ है। पहले 5वें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को 381% डीए मिलने का प्रावधान था, लेकिन अब यह बढ़कर 396% कर दिया गया है। इन कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी के बेसिक वेतन के आधार पर होती है। यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 43,000 रुपये प्रति माह है तो उसे पुराने डीए के अनुसार 87,290 रुपये मिल रहे होंगे, लेकिन डीए के 212% होने के बाद अब यह बढ़कर 91,160 रुपये हो गए हैं। मासिक आधार पर वेतन में करीब 3800 रुपये का इजाफा हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।